हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड। और इस बार हम करंट सिचुएशन इन थाईलैंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई छोटे बड़े अपडेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट हम बात करने लगे हैं इस वीडियो के अंदर थाईलैंड वैट रिफंड के बारे में। ठीक है, थाईलैंड वैट रिफंड एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ सबके लिए। और सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक ओवरव्यू लेंगे उसका, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन गुड्स पे आपको मिलता है वैट रिफंड, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद 10 सवालों के मैं जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा एंड टू एंड देखना। कोई सवाल जवाब है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ लगता नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने में। और बेल बटन को आप हिट करेंगे तो आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलते रहेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे सामने तीन इजी स्टेप्स जिनके थ्रू आप वैट फंड को क्लेम कर सकते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि आप शॉपिंग एंजॉय करते हैं, फिर शॉपिंग के बाद आखिरी दिन जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है वापस जाने की, तो उस वक्त आप कस्टम्स के दौरान अपने सारे गुड्स को वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, तो कस्टम प्रोसीजर से आप निकलते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि आपको सिर्फ अपना रिफंड कलेक्ट करना होता है, क्लेम करना होता है। तो ये तीन ईजी स्टेप्स हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से आपको शुरू करना है ये प्रोसेस, हाउ डू यू स्टार्ट। ओके, तो उसके लिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से, तो पहला तो ये है कि आप शॉपिंग करते हैं। अब आपको वही स्टोर्स पे जाके शॉपिंग करनी है जहाँ पे वैट का स्टिकर बाहर लगा होता है, जैसे कि एमएक्स कार्ड का लगा होता है, मास्टर कार्ड्स आर एक्सेप्टेड हियर, इस तरीके से लिखा होता है, तो वहाँ पर वैट का भी लिखा होगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत कॉमन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। फिर इसके अलावा जो भी आप गुड्स खरीदने जा रहे हैं उसकी मिनिमम कॉस्ट जो है वो 2000 थाई बाट के आसपास होनी चाहिए, 2000 थाई बाट, उसे कम नहीं, 2000 थाई बाट एंड अबव। वैट उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, आपके जो ओरिजिनल इनवॉइस है जो आपको इशू किया जाएगा, और वो सेम डे का आपका इनवॉइस होना चाहिए। ओके, क्लियर। इसके अलावा क्या होता है कि आप स्टोर से PP10 फॉर्म मांगते हैं और आपको एक PP10 फॉर्म इशू कर देते हैं, दे देते हैं। अब ये PP10 फॉर्म और ओरिजिनल इनवॉइसेस को साथ में लगा के आपको जाना एयरपोर्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कैच, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो गुड्स हैं वो 60 दिनों के अंदर ही खरीदने और 60 दिनों के अंदर ही थाईलैंड से बाहर लेके जाने हैं। टेक द गुड्स आउट ऑफ थाईलैंड विद इन 60 डेज ऑफ परचेज वाया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत क्लियर है, राइट? तो ये हैं कुछ चार स्टेप्स एलिजिबल होने के लिए वैट रिफंड के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फटाफट से। फिर इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से वो गुड्स हैं, कौन से वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर वैट रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। तो ज्वेलरी हो गया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो गया, वॉचेस, ग्लासेस, पेन्स। अब ये पेन क्यों? क्योंकि कुछ पेन होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लिमिटेड एडिशन पेन होते हैं, तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बैग्स हो गए, जिनकी कॉस्ट 10,000 थाई बाट से ऊपर की है, या मिनिमम जो वैल्यू है उनकी 50,000 थाई बाट की है। ओके, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया स्लाइड पे, अभी कम आइटम्स हैं। वैसे और भी लग्जरी गुड्स हैं जिनके ऊपर आप वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे क्या है कि कस्टम के प्रोसीजर्स आपको क्लियर करने होते हैं जब आप इमिग्रेशन कर लेते हैं यूजुअली। तो इमिग्रेशन के बाद आप जब कस्टम्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो PP10 फॉर्म और जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है जो इशू हुआ था सेम डे का, और उसके साथ सामान जो आपने ख़रीदा था वो सब दिखाना होता है, शो करना होता है कस्टम्स पे। वो उसको देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं, स्टैंपिंग कर देते हैं और आप आगे जा सकते हैं। वो कौन से एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थाईलैंड में जहाँ पे आप जाके वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। स्वर्णभूमि, डॉन म्यूंग, चेंगमाई, फुके, हटियाई, यूतपाव, कराबी, समुई, सुरतानी, चेंगराई, आपके सामने स्क्रीन पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आपके पास बचता है वो है आपको टूरिस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, जो वैट रिफंड ऑफिस है वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे आपको फिर से वही PP10 फॉर्म, जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइसेस हैं वो दिखाने होते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी कस्टम्स की भी स्टैंपिंग हो रखी है। और जो ऑफिसर होगा, टूरिस्ट ऑफिसर होगा, रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक्चुअली, उनको यही कहते हैं, वो आपके गुड्स जो हैं लग्जरी गुड्स हैं वो देखेंगे, चेक करेंगे, इनवॉइसेस चेक करेंगे, उनकी कॉस्ट चेक करेंगे, और अकॉर्डिंगली वो आपकी जो जो आपका जो क्लेम है वो अप्रूव कर देते हैं। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं,
कि कोई भी सामान, जैसे यूजुअली आप लग्जरी गुड्स लेते हैं तो उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, 1 लाख से ऊपर भी चली जाती है। तो मान लीजिए कि आपने कोई सामान लिया जिसकी वैल्यू है 30,000 थाई बाट से नीचे, 30,000 थाई बाट से नीचे, उस केस के अंदर आपको जो क्लेम है वो जो आपको कैश में मिलता है, थाई बाट में मिलता है, कैश में मिलता है, यूएस डॉलर्स में नहीं मिलता। इसके अलावा जे कुछ कोई भी गुड्स जिनकी वैल्यू 30,000 थाई बाट से ऊपर की है, वो डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में या डेबिट कार्ड अकाउंट में जो भी है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो 30,000 से ऊपर के केस के अंदर आपके डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पेमेंट क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। और अगर 30,000 से कम वैल्यू है इन थाई बाट्स, तो उस केस के अंदर आपको कैश रिफंड मिलता है थाई बाट में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल यहाँ पे ये है कि अगर कोई लग्जरी गुड आप खरीदते हैं 30 दिन पहले, उसके साथ आपको रिफंड फॉर्म मिला 30 दिन पहले, तो क्या आप वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं? यस यू कैन। 60 दिनों के बीच में खरीदी हुई कोई भी चीज, लग्जरी प्रोडक्ट या गुड जो है, आप उसके लिए वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं विद इन 60 days ऑफ परचेज डेट। मतलब ये जिस दिन आपने चीज खरीदी है उस दिन से 60 दिन काउंट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी आप अप्रूव्ड स्टोर में जाते हैं जो कि वैट रिफंड को कवर करता है, वो आपको एक फॉर्म इशू करता है, वैट रिफंड फॉर्म। आप उसे मांग भी सकते हैं अगर आपको क्लेम करना है, ठीक है, उनसे आप मांग लीजिए फॉर्म। उस फॉर्म पे स्टैंपिंग होनी चाहिए कस्टम्स की। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां पे एक डेजिग्नेटेड वैट रिफंड काउंटर्स बने फॉर टूरिस्ट ऑफिस कहा जाता है बेसिकली उनको, वहां जाके आपको अपने गुड्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो कोई भी अगर आपने चीज खरीदी है विद इन 60 days, तो देरी ना करें, आप उसके लिए वैट रिफंड को क्लेम करें। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे है कि आपने कोई भी लग्जरी गुड खरीदा है, उसके साथ रिफंड फॉर्म भी आपको मिला है, और नेक्स्ट वीक आप जा रहे हैं थाईलैंड को छोड़ के, तो क्या आप वैट रिफंड को क्लेम कर पाएंगे? यस यू कैन। जैसे हमने पहले सवाल में जवाब दिया इस चीज का कि विद इन 60 days कोई भी अगर आप लग्जरी गुड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसके लिए वैट रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट कैच बता दूं कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि आप थाईलैंड में हैं इस वक्त, आपने कोई लग्जरी गुड खरीदा, अब आप थाईलैंड को छोड़ के जा रहे हैं विदाउट क्लेमिंग योर वैट रिफंड, और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा अगली बार आऊं तो मैं वैट रिफंड को जो है इस जो भी आपने चीज़ आज खरीदी उसको मैं क्लेम करूं, उसके लिए वैट रिफंड क्लेम करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिप बाय ट्रिप इसे काउंट किया जाता है। तो मतलब अगर आज मैंने ये चीज़ खरीदी है, कल मैं थाईलैंड छोड़ के जा रहा हूं, तो मैं वैट रिफंड को क्लेम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट ट्रिप है, मान लीजिए अगले महीने मैं वापस आ रहा हूं थाईलैंड में, तो मैं वैट रिफंड को क्लेम नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। और मेक श्योर कि जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी आप थाईलैंड से बाहर लेके जाने लगे हैं, उसके ऊपर कस्टम की स्टैंपिंग, कस्टम्स ऑफिस की स्टैंपिंग होनी जरूरी है अगर वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। तीसरा सवाल, कैन आई क्लेम वैट रिफंड ऑन माय होटल्स एंड रेस्टोरेंट बिल्स? क्या ऐसा हो सकता है? वेल, मैं आपको बता दूं कि होटल और रेस्टोरेंट जो है वो एक सर्विसेज है, ठीक है, वो कोई लग्जरी गुड्स में नहीं आती। इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस जिसकी आप जो भी टैक्सेस होते हैं वो ऑन द स्पॉट पे करते हैं, ठीक है। आपने डाइनिंग की बिल आया, उसके अंदर आपके टैक्सेस होते हैं, एवरीबॉडी नोज इट, राइट। तो वैट रिफंड के अंदर उसे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर इसके अलावा अगला सवाल कि मान लीजिए कि मैं थाईलैंड में रहता हूं, मैं वहां काम करता हूं, तो क्या मैं वैट रिफंड को क्लेम कर सकता हूं? जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए होता है। और जो लोग मान लीजिए कि 180 दिनों के ऊपर जो है थाईलैंड में बिताते हैं, वो लोग वैट के रिफंड को क्लेम नहीं कर सकते। 180 दिनों के नीचे का अगर आपका स्टे है तो आप वैट रिफंड को क्लेम कर पाएंगे। फिर अगला सवाल यहाँ पे है कि मान लीजिए आप थाईलैंड छोड़ के जा रहे हैं बाय लैंड बॉर्डर्स, तो क्या आप वैट को क्लेम कर पाएंगे, वैट रिफंड ले पाएंगे उस केस के अंदर? नहीं, ये वैट रिफंड जो है सिर्फ एप्लीकेबल है जो एयर ट्रैवलर्स हैं। अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो ही आप वैट का रिफंड ले पाएंगे। एयरपोर्ट्स पे जो है इनके डिफरेंट काउंटर्स हैं, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में भी वैट रिफंड ऑफिस है, डॉन म्यूंग में भी है, चेंगमाई में भी है, फुके में भी है, हैट याई में भी है, यूतपाओ में भी है, कराबी, समुई, सूरत थानी, सभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेईफा, लुआंग, चेंगमाई, इन सभी जगहों पे ऑथराइज्ड जो वैट रिफंड ऑफिसेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप लैंड से, मान लीजिए आप थाईलैंड से कंबोडिया जा रहे हैं बाय लैंड और आपने कोई लग्जरी गुड थाईलैंड से उठाया, तो आप उसका वैट रिफंड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल कि मैंने
वैट रिफंड नहीं लिया, क्लेम नहीं किया एयरपोर्ट पे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे उस केस में क्या करना चाहिए? वैट रिफंड के लिए आप वैट रिफंड ऑफिस को बाद में मेल भी कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के, ठीक है? उनके जो टूरिस्ट ऑफिस होंगे एयरपोर्ट पे, उनको आप भेज सकते हैं, जो उनका एड्रेस है, सारी डिटेल्स हैं वो फॉर्म के पीछे, जो रिफंड फॉर्म जिसकी हम पहले बात कर रहे थे उसके पीछे दिए होते हैं। जो रिफंड फॉर्म्स होते हैं वो उनके नाम क्या है, PP-10 करके होता है या EPP-10 करके वो होता है, उसके साथ उसको भर के आप उसके साथ ओरिजिनल टैक्स के इनवॉइसेस लगाते हैं। अब मान लीजिए अगला सवाल ये उठता है यहाँ पे कि मैं थाईलैंड में नहीं हूँ, मैंने क्लेम नहीं किया था, मेरे पास कस्टम की स्टैंप्स भी नहीं है, स्टैंपिंग भी नहीं, सॉरी मतलब इनवॉइसेस पे, तो मैं उस केस में क्या करूँ? उस केस में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट खरीदा जो कि 5,000 थाई बाट की वैल्यू से नीचे है तो उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, आप फिर भी वैट रिफंड क्लेम कर पाएंगे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। लेकिन अगर कोई भी चीज आपने खरीदी है जो 5,000 बाट की वैल्यू से ऊपर की है तो उस केस के अंदर कस्टम की स्टैंपिंग होनी जरूरी थी रिफंड फॉर्म्स पे और टैक्स इनवॉइसेस पे, ठीक है? तो यहां पे चैलेंज आपको आ सकता है अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा हुआ 5,000 थाई बाट से ऊपर का है, लेकिन अगर नीचे का है तो अगर स्टैंपिंग नहीं भी है रिफंड फॉर्म्स पे या बिल्स पे तो चलेगा, यू कैन स्टिल क्लेम योर वैट रिफंड। तो अब क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं? तो पहले तो आपको लगानी पड़ती है अपनी पासपोर्ट की फोटो कॉपी, जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर होना चाहिए, राइट, सिंपल। इसके अलावा आपको फोटो कॉपी लगानी पड़ती है पासपोर्ट की जहां पे आपकी अराइवल और डिपार्चर डेट की स्टैंपिंग हो रखी है इमिग्रेशन के थ्रू, तो उसका एक पेज का कॉपी आपको लगाना पड़ता है। फिर इसके अलावा जो भी आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया था ट्रांजैक्शन के दौरान उसकी भी फोटो कॉपी आपको लगानी पड़ती है, और उस पे आपका नाम, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट होना जरूरी है। मतलब कि आप स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, जैसे कि 3 महीने की स्टेटमेंट हो गई जैसे कि आप दिखा सकते हैं, और वो आपका नाम अथवा पता आपके पासपोर्ट के साथ मैच होना जरूरी है, अदरवाइज आपका जो रिफंड है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, मैं आपको बता दूं। फिर अगला सवाल क्या होता है, कई काफ़ी लोग इशू फेस करते हैं कि जब वो वैट रिफंड ऑफिस में विजिट करते हैं तो बहुत लंबी कतारें होती हैं, क्यूज होती हैं लोगों की जो क्लेम करना चाहते हैं, रिफंड लेना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या आप बाद में क्लेम कर सकते हैं? जैसे मैंने पिछले सवालों में आपको जवाब दिए, यस यू कैन, आप उन्हें मेल कर सकते हैं क्योंकि आपको कस्टम की स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती अगर आपका 5,000 से नीचे का वैल्यू है आपके गुड का, ठीक है, आपके सामान का, तो उस वक्त तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप अदरवाइज क्लेम नहीं कर पाएंगे वैट रिफंड अगर आपकी रिफंड फॉर्म पे कस्टम की स्टैंपिंग नहीं है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप टाइमली एयरपोर्ट पे पहुंचे, खासकर इस दौरान जहां पे इमिग्रेशन में काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, ठीक है, 5-6 घंटे पहले लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो आपको टाइमली जो है एयरपोर्ट पे पहुंचना है रिफंड ऑफिस पहुंचने के लिए, वहां प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये भी एक क्लियर हो गई चीज़। इसके अलावा अगला सवाल, मान लीजिए आप चेंगमाई में रहते हैं या किसी भी प्रोविंस में रहते हैं, क्या आपने कुछ चीज़ें वहाँ पर खरीदी तो क्या आप वैट रिफंड ले सकते हैं वहाँ से? यस यू कैन। जैसे चेंगमाई एयरपोर्ट पे वैट रिफंड ऑफिसर्स हैं, काउंटर्स बने हुए हैं उनके, तो आप वहाँ जाके क्लेम कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बैंकॉक में ही आएंगे और बैंकॉक से सब कुछ होगा। जैसे मैंने पीछे आपको पूरी लिस्ट बताई कि कौन कौन से वो एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे वैट रिफंड ऑफिसर्स हैं, वहाँ जाके आप बहुत ईजिली क्लेम कर सकते हैं अपना वैट रिफंड। उसके अलावा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मेरी फ्लाइट मान लीजिए दिसंबर 20 की है, या मान लीजिए मेरी फ्लाइट जो है फरवरी 20 की है, ठीक है, सुबह 3 बजे की मेरी फ्लाइट है और मैं 19 फरवरी को एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं रात को 10 बजे, ठीक है, मतलब कि रात को 10 बजे 19 तारीख को मैं एयरपोर्ट पे हूं, तो क्या मैं वैट रिफंड को क्लेम कर सकता हूं 19 तारीख को? नहीं, आपको उसी दिन वैट रिफंड क्लेम करना होगा जिस दिन आपकी फ्लाइट है, जो डेट होगी उसी डेट पे आप वैट को जो है क्लेम कर पाएंगे, ठीक है? तो मान लीजिए सुबह 3 बजे मेरी फ्लाइट है 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को ही मैं अपना वैट का रिफंड क्लेम कर पाऊंगा फ्लाइट से पहले। तो यू हैव टू इंश्योर कि आपको टाइम अपना मैनेज करना पड़ेगा इस वक्त, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस हैं कोविड की वजह से, तो अकॉर्डिंगली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
ठीक है, एक दिन पहले आप क्लेम नहीं कर सकते, चाहे आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच के रात को 10 बजे पहुंच गए और अगले दिन आपकी सुबह मॉर्निंग में 3 बजे की फ्लाइट है, तो ऐसा नहीं हो सकता, उस डेट पे नहीं हो सकता। सिर्फ जिस दिन आपकी डिपार्चर डेट है, जिस दिन का आपका फ्लाइट बोर्डिंग पास वगैरह आपको इशू हुआ, उसी दिन आप क्लेम कर सकते हैं वैट रिफंड को। फिर अगला सवाल, क्या वैट रिफंड यूएस डॉलर्स में दिया जाता है, रिफंड किया जाता है? वेल, अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है, अगर वो 30,000 थाई बाट से नीचे की है, ठीक है, तो आपको थाई बाट में ही पेमेंट की जाती है, रिफंड दिया जाता है, मतलब कैश आपको दिया जाता है थाई बाट के अंदर, ठीक है। जो लोग कोई भी चीज खरीद रहे हैं जिसकी वैल्यू 60,000 थाई बाट से ऊपर की है, उस केस के अंदर आपके जो आपका जो रिफंड है वो आपके क्रेडिट कार्ड में जाता है, जिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपने ट्रांजेक्शन की थी, ठीक है। एक सवाल और लेता हूं मैं, मान लीजिए कि अगर वैट रिफंड फॉर्म में आपने जो है नाम गलत स्पेसिफाई किया है, या आपके टैक्स इनवॉइसेस जो आपने जब चीज खरीदी थी स्टोर से, तो वहां पे आपका नाम गलत दिया हुआ है, तो उसे आप वेरीफाई कर लें ढंग से। अगर गलत नाम दिया है तो क्या आप वैट रिफंड को क्लेम कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पासपोर्ट के नाम से मैच नहीं करता, ठीक है, आपके इनवॉइस पे आपका नाम या टैक्स सॉरी वैट रिफंड फॉर्म पे आपका नाम, तो आप उस दौरान जो है क्लेम नहीं कर सकते, रिजेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। Alright, thank you so much guys for watching this video. Video कैसी लगी जरूर बताइए, give it a thumbs up, support the video and support the channel by subscribing. ठीक है, इस किस्म के updates, interesting topics भी हम बीच में लाते रहेंगे, apart from current situation in Thailand videos, या जो भी travel restrictions के बारे में हम videos बनाते हैं, ठीक है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, मिलता हूँ अगली video में, until then goodbye and take very, very good care of yourself.